Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार अभी फिलहाल जुम्मे का टाइम लंग गया। मानी भाई ने जुम्मा पढ़ लिया, माशाल्लाह से इनने भी पढ़ लिया है, और मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरे दोनों घोटे छिले हुए हैं और मैंने बैठ के पढ़ना होता है और मुझे ऐसी शर्म आती है, लोग देखेंगे बोलेंगे हट्टा कट्टा। और क्या क्यों करूँ कैमरा बंद। तो यार फिलहाल अभी मैं कपड़े पहने लगूं, ठीक है थोड़ी देर। सारे तैयार हो चुके हैं, मानी मैं और हामिद अभी फिलहाल हम जा रहे हैं मानी भाई के साथ, मानी भाई के दोस्त की तरफ। यहाँ पे कासा मामू पानी पीने लगे अब मुझे बोले कि वीडियो डिलीट करो, लेकिन मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे कासा मामू पानी पीने लगे हुए थे। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं जरा दोस्त की तरफ, मनान की तरफ जा रहे हैं, तो आपका मैं वहाँ पे आ गया। फिलहाल मानी मैं और हामिद मनान भाई के घर से हो गए, ठीक है। और मनान भाई फिलहाल यार सोए से उठे थे तो कह रहे थे अभी मैंने नहाना है, मतलब जुमा पढ़ के वो दोबारा सो गए थे तो कह रहे थे अभी नहाऊंगा दोबारा और फिर आऊंगा, तो इसलिए हम उनके साथ नहीं जा पाए। वो तक नवी मॉडल 70 बकवास ब्लू लग रहे, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं मानी मैं और हामिद जा रहे हैं कैंट। तो यार फिलहाल अभी हम कैंट जाने लगे हुए, ठीक है। अभी मेरा गोडा लगा बड़ा गंदा मोटरसाइकिल के साथ, मेरा पूरा गोडे की हड्डी लगी। तो बस यार अभी फिलहाल हम जाने लगे हुए हैं, वो भी दिखाओ फोन निकला अब वो वीडियो में नहीं दिखा सकता। नहीं वो नजर फोन नहीं नजर आ रहा, ये मेरा हॉर्न भी निकला। ओके तो फिलहाल यार अभी हम जा रहे हैं, ये घंटा को वहाँ पे जाके फिलहाल हम घंटा चौक पहुँच चुके हैं। यहाँ का मशहूर चौक घंटा चौक, आज आपको मैंने घंटा चौक का व्यू दिन में भी दिखा दिया। और अभी हम सियालकोट माल ऑफ सियालकोट जाने लगे हैं। नहीं जी क्यों यार, चलते हैं ना, मजा आएगा। चलो नहीं चलते, आपकी मर्जी। तो यार ये है मॉल ऑफ सियालकोट, इतना बड़ा, लेकिन मानी भाई कह रहे हैं हमें उधर नहीं जाना, तो हम उधर नहीं जा रहे, तो इसलिए अभी आपको मैं जा। तो आप लोग तब तक आगे का जरा व्यूज देखें। वाओ माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल। भाई यहाँ पे ग्रैंड योस के बाहर फोटो खींच रहे हैं ताकि बड़े बड़े घर की लड़कियां समझिए कि ये बहुत बड़े बड़े कोठी बंगले वाले लड़के हैं, साले नले बेरोजगार छपरी नले, ताकि बड़े बड़े कोठी वाले समझे कि ये बहुत बड़े कोठी बंगले वाले बंदे हैं, इसलिए यहाँ पे फोटो खींच रहे। चले बाबू के बाद यार अभी फिलहाल हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बन चुका है, जो कि अभी रात के तकरीबन 8 बज रहे हैं, हम कब से घर आ चुके हैं और ये पास्ता अभी भी बना है। और ये पास्ता खा के अभी हम दोबारा जा रहे हैं पता नहीं किधर, मुझे हम निकलेंगे आपको बजाएगा। फिलहाल यार व्हाइट सॉस पास्ता खा लूँ आपको मैं दिखा दूँगा। तो यार अभी फिलहाल रात के 11:30 हो चुके हैं और अभी हम मानी मैं और हामिद हमेशा की तरह निकले हैं भाई। बहुत अच्छा मौसम हो गया है, हल्की हल्की कमियाँ गिर रही है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ठंडी एसी वाली हुआ, और ये मेरे आने से पहले नहीं था जी। मानी ना ये कह रहे जिस दिन का तू आया मौसम अच्छा हो गया, मैंने कहा अल्लाह का करम है, हम हमारी इसमें कोई वो नहीं है, ये अल्लाह का करम है। फिलहाल यार अभी जरा बाहर निकले हैं, कहाँ पे पहुंचा दूंगा यार। अभी फिलहाल हम आए थे सिनेमा मूवी वगैरह देखने के लिए, लेकिन सिनेमा जो है वो बंद हो चुका है, ठीक है, इस वजह से अभी हम ऐसे ही हमें जाना पड़ रहा है वापस। बस यार लाल चल के हम कह रहे तो आपका मैं रास्ते में एक रुकता यार। फिलहाल अभी बैटमैन को गौतम सिटी से निकाल दिया गया। बैटमैन हाय, बैटमैन हाउ आर यू, गौतम सिटी से चले गए आप। बैटमैन कह रहे मैं पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया हूँ यार, बाहर मेरा दिल नहीं था लग रहा, मैंने कहा पाकिस्तान चक्कर लगाते हैं। फिलहाल बैटमैन पीछे खड़ा मेरा से मुल्क को बचाने आया है, अभी मानी वो आगे जाना है, ठीक है मैं तो बचा रहा हूँ। ये बॉय 100 रुपीस लाओ के 100 रुपीस लाओ 100 मेरे को लिखकर बया नहीं पल्ले पिक्चर खींचने का पैसा लगती पिक्चर खींचने का चलो काम कर कुछ तरीका है भीख मांगने का। चलो बाकी राग फिर अभी फिलहाल हम ग्रिल हैंड थ्रिल पर आए हैं और बारिश होने की वजह से यहाँ पर सेटिंग सारी खत्म हुई है, अंदर भी सारा बराबर, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो बंदे बंदे बैठे हुए हैं। फिलहाल अभी हम अपनी जगह का वेट कर रहे हैं, भैया वाले भाई जाएंगे फिर हम इधर बैठ जाएंगे और फिर ऑर्डर कुछ करेंगे कबाब।
किसी और भी फिलहाल आ चुके हैं पराठे चेक करें, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ ये चेक करो, इतनी सी चीज़ है। मैं समझा था कोई सही अंदर सारी चीज़ होगी, इधर से काट शर्ट लगाए होंगे, लेकिन ये तो पराठे हैं। अल्लाह की कसम यार डिसअपॉइंटेड। चलो यार बाद में रखें। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं घर और अभी रात के बज रहे हैं तकरीबन 1:00, पता नहीं कितने मिनट। आप देख सकते हैं पुरसकून माहौल है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। अभी मैं छत पे हूँ, ये देखें अभी बारिश हुई थी जिसकी वजह से सारी छत भी गिली हुई है, ठीक है। और सियालकोट का वेदर माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया, और मुझे अकेले छत पे डर लगने लगा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को पीछे खड़ा है, लेकिन कुछ नहीं होता, अल्लाह साथ है। डरने की बात क्या है, डरते नहीं है, डर के आगे जीत है। ओके, ऐसे मेरा एक दोस्त कह रहा था डर के आगे जीत है, उसने ना दूसरे माले से छलांग मार दी, लेकिन वो फिर अब जीत की खुशी में इतना मतलब मगन हो गया कि वो मुझे अब कभी नज़र नहीं आया। पता नहीं यार मैं ऐसे जीत के किधर बाहर चला गया था। चलते हैं यार फिलहाल अभी नीचे, मैं तो कहा था जरा आपको मौसम शौसम दिखाते हैं, इससे मैं छत पे आ गया था। बाकी यार इस व्लॉग को भी यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। फिर मैंने अल्लाह।